नमस्ते मित्रों, आज की तारीख में इंडिया का रिचेस्ट आदमी एक गुजराती है और तो और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी में से 5 जन गुजराती है। आज इस वीडियो में हम द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनिश पापराई बुक से ऐसे प्रिंसिपल सीखेंगे जिन्हें फॉलो करके गुजराती और कई और सक्सेसफुल लोग जैसे मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन और वॉरेन बफेट ने बिजनेस और इन्वेस्टिंग में इतनी कामयाबी हासिल की। अगर आपने कभी फाइनेंस की क्लास अटेंड की होगी तो ये बात आपने जरूर सुनी होगी, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ये गुजराती लोग इसका टोटल उल्टा सोचते हैं। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जिसमें रिस्क एकदम कम हो और रिटर्न बहुत ज्यादा हो, यानी कि हेड्स आई विन टेल आई डोंट लूज मच, और यही है क्लासिक धंधो स्टाइल। और ये पूरी बुक इसी लो रिस्क हाई रिटर्न बिजनेस मॉडल और इन्वेस्टमेंट पे है। क्या आपको पता है अमेरिका में रहने वाली गुजराती की इनकम एक एवरेज अमेरिकन से भी ज्यादा है? और ये बात तो आपने सुनी होगी कि अमेरिका के ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा मॉडल बिजनेस को इन पटेल गुजरातियों ने डोमिनेट करके रखा है। आज इस बुक समरी में हम मॉडल बिजनेस की केस स्टडी करके ऐसे 4 प्रिंसिपल की बात करेंगे जो आपको कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देंगे। नॉर्मली एक बुक पढ़ने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन इस चैनल पे आपको हर वीक बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट पे एक इंटरेस्टिंग बुक समरी 10 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे पटेल्स अमेरिका पहुंचे और क्यों उन्होंने मोटेल्स के बिजनेस को ही चुना और उसमें उतने सक्सेसफुल हुए। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग गांव से खेती छोड़ के शहर में आते हैं क्योंकि हर जनरेशन के बाद होने वाले जमीन के बंटवारे में एट द एंड बहुत कम या फिर ना के बराबर जमीन बचती है, और इसी रीजन से कुछ गुजराती पाटीदार्स का ग्रुप या फिर पटेल्स का ग्रुप अराउंड मिड 20th century में युगांडा गया बिजनेस करने के लिए, और वहां उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। उन्होंने कुछ ही साल में इतनी वेल्थ बना ली कि वहां के राजा ने उन्हें वहां से भगा दिया, उनकी सारी मिल्कत छीन ली ये कहके कि हमारा पैसा हमारे लोगों के पास ही रहना चाहिए। अभी सिचुएशन में अराउंड 1972-73 में युगांडा से निकाले हुए पटेल्स को कोई नई जगह की और बिजनेस की तलाश थी, और उनमें से कुछ पटेल्स अमेरिका पहुंचे। अब जब वो अमेरिका पहुंचे तब उनके पास ना कोई काम था, ना ही रहने के लिए घर, और उस टाइम पे अमेरिका में ऑयल क्राइसिस चालू था जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, और उसी रीजन से अमेरिका में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, एंड एज ए रिजल्ट मोटेल बिजनेस की इंडस्ट्री बंद पड़ी थी और सारे बिजनेस ओनर लॉस में जा रहे थे और कई मोटेल्स बैंकरप्सी की कगार पर थे। अगर आपको नहीं पता मोटेल्स क्या होते हैं तो मोटेल्स हाईवे पे बने 20 से 25 कमरे वाले छोटे गेस्ट हाउस होते हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए और कोई कहता ऐसे डूबते बिजनेस में कौन हाथ डालेगा, लेकिन यहाँ पटेल्स ने अपॉर्चुनिटी देखी और मोटेल बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, इन्वेस्ट इन डिस्ट्रेस बिजनेस इन डिस्ट्रेस इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमने देखा ऑयल क्राइसिस की वजह से कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था और जिसकी वजह से मोटेल्स की ऑक्यूपेंसी जीरो थी और बहुत सारे मोटेल्स को बैंक बहुत सस्ते प्राइस पे बेच रही थी। अब यहाँ पटेल्स के पास रहने के लिए घर तो था ही नहीं, तो अगर वो मोटेल्स बाय करते तो उनके रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, और उन्होंने अपने जितने भी पैसे थे वो डाउन पेमेंट में देके बाकी 90% लोन लेके मोटेल्स खरीद ली। उन्हें पता था थोड़े टाइम के बाद जब हवा बदलेगी, जब इकोनॉमिक सिचुएशन नॉर्मल होगी, तब फिर से लोग ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे और मोटेल्स की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी, तब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और तब तक उनके रहने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यहाँ पर पटेल्स ने भी जब सब घबराए हुए थे, कोई मोटेल इंडस्ट्री में हाथ नहीं डालना चाहता था, और जब सब बहुत सस्ता मिल रहा था तब उन्होंने बहुत अच्छी डील कर ली और बहुत कम प्राइसेस पे मोटेल्स को खरीद लिया। सिमिलरली आप जब भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तब ऐसी इंडस्ट्री या कंपनी ढूंढो जिसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और पास में बहुत अच्छे प्रॉफिट का रिकॉर्ड है, और उन्हें तब बाय करो जब वो इंडस्ट्री या कंपनी किसी रीजन की वजह से बहुत सस्ते में मिल रही है। एक बात याद रखो, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस पे मिलने वाला रिटर्न कितने ज्यादा मार्जिन से बेच रहे हो उस पे नहीं, लेकिन कितने डिस्काउंट पे खरीद रहे हो उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉपर्टी का प्राइस अगर 1 करोड़ रुपीज है और उसे आप 80 लाख में खरीद रहे हो तो बाय करते टाइम ही आपका 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। सेकेंड प्रिंसिपल है, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ए ड्यूरेबल मोड्स। अब यहाँ ड्यूरेबल मोड्स का मतलब है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर मैं पूछूं आपको पिज्जा खाने का मन हुआ और आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो आप ऑब्वियसली कहोगे डोमिनोज या फिर पिज्जा हट। मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन आप यहाँ ही जाना प्रीफर करोगे क्योंकि उनके जैसी क्वालिटी सर्विस उस प्राइस में और कोई नहीं दे रहा, और वो उनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया। क्योंकि मार्केट में कोई उनको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है तो उनके बिजनेस का रेवेन्यू शेयर करने वाला भी कोई नहीं है, और जिसके वजह से वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट को डोमिनेट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसी सर्विस या क्वालिटी पे फोकस करो जो और कोई कॉपी ना कर सके और एक एंट्री बैरियर बन जाए, ताकि आप अपने बिजनेस में मोनोपोली बनके पूरा मार्केट अपने पास रख सको। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो ऐसी कंपनी ही सिलेक्ट करनी चाहिए जिसके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो, ताकि वो कंपनी लंबे समय तक मार्केट में टिकी रहे और आपको अच्छा रिटर्न दे।
यहाँ पटेल्स की बात करें तो बाकी सब मोटेल ओनर्स मोटेल का काम करने के लिए बहुत सारा स्टाफ हायर करते थे, जबकि पटेल अपने फैमिली के 5-6 जन ही पूरे मोटेल्स का काम संभाल लेते थे, जिसे उन्हें किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती थी। और वो सबसे कम प्राइस में रूम ऑफर करते थे, जो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। मार्केट में और कोई नहीं था जो उनके जितने सस्ते रूम ऑफर करता हो, जिसकी वजह से उनके मोटेल की ऑक्यूपेंसी हमेशा फुल रहती थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते थे। अब थर्ड प्रिंसिपल है, इन्वेस्ट इन कॉपीकैट्स रादर देन इनोवेटर्स। अब मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन के ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर मैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कॉपीकैट होना ज़्यादा बेटर है। अगर आप कोई नया इनोवेशन करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सब कुछ अननोन है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, कितना प्रॉफिट हो सकता है और उस वेंचर को सक्सेस होने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें अननोन है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करते हो जो पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, आपको पता है इसकी मार्केट में पहले भी डिमांड थी, आज भी डिमांड है और आगे भी रहेगी, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि उससे एक फिक्स रेवेन्यू और कैश फ्लो जनरेट होता रहेगा। स्टार्टिंग में आए हुए कुछ पटेल ने मॉडल बिजनेस में अच्छी खासी सक्सेस हासिल की और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज करके अच्छा धंधा किया, जिसको देख के आगे आने वाले पटेल ने भी सेम चीज कॉपी करी और उन्होंने भी सक्सेसफुली मॉडल बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि वो कभी भी आसपास मोटेल्स नहीं खोलते थे, ताकि आपस में कंपटीशन ना हो, और यह भी अपने आप में एक ड्यूरेबल मोट है। अब लास्ट प्रिंसिपल कहता है, फ्यू बेट्स बिग बेट्स एंड इनफ्रीक्वेंट बेट्स। अगर मान लो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि टॉस करते हैं, हेड्स आया तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे और टेल्स आया तो आपके लगाए हुए पैसे जीरो हो जाएंगे, इस सिचुएशन में आप अपने अकाउंट में से कितने पैसे लगाओगे सिंगल बेट में? वेल, ऑथर ने एक फार्मूला बताया जिसे कैली फार्मूला कहते हैं, जिसके हिसाब से इस सिचुएशन में आपको 25% पैसे सिंगल बेट में लगाने चाहिए। यहाँ वो कैली फार्मूला है, एच डिवाइड बाय ऑड्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ योर कैपिटल यू शुड बेट ईच टाइम, जहाँ ऑड्स इज इक्वल टू व्हाट यू विन यानी आप कितने पैसे जीतोगे, और एच यानी प्रोबेबिलिटी यानी मल्टीपल बेट में कितने पैसे जीतने की प्रोबेबिलिटी है। इस फॉर्मूला को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जब ऑड्स आपके फेवर में होंगे तब इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़ जाएगा, यानी कि जब आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तभी आपको दबा के इन्वेस्टमेंट करना है। पटेल्स की बात करें तो जब उन्होंने मोटेल्स खरीदा तब उन्होंने सिर्फ 10% डाउन पेमेंट किया था और बाकी का 90% पैसा बैंक का था। हम देखें तो उनके पास डाउन साइड में क्या था, अगर उनका बिजनेस नहीं चला तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10% डाउन पेमेंट जाएगा, राइट? बट यहाँ क्योंकि मोटेल इंडस्ट्री पहले से ही खराब हालत में थी और बैंक उसे चला नहीं सकती थी, और बैंक को पता था पटेल से ज्यादा एफिशिएंटली उसे और कोई नहीं चला पाएगा, तो वो उनसे मोटेल्स वापस ले लेंगे उसके चांसेस बहुत कम थे। शायद नेगोशिएट करके लोन रिस्ट्रक्चर करके उन्हें मोटेल्स में रहने देते, जिससे उनके रहने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाता, और अगर मोटेल्स आगे जाके चल जाती है तो कुछ ही सालों में उनका लोन रीपे हो जाएगा, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है और मोटेल्स उन्होंने बहुत सस्ते में खरीदे थे, तो जल्दी ही वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने लगेंगे। यहाँ लॉस होने के या फिर बैंक उन्हें निकाल दे ये चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 5% के आसपास, लेकिन मार्केट आगे जाके ठीक ठाक होने के 60-70% चांसेस है, और बहुत ही अच्छी इकोनॉमी होने के 30-40% चांसेस है, यानी कि ऑड्स टोटली उनके फेवर में है, और ऐसे टाइम पे उन्होंने सारे पैसे लगा दिए, और आगे भी जब फिर से रिसेशन आया जैसे कि 9/11 तब भी उन्होंने सेम प्रिंसिपल यूज करके हैवी बेटिंग की और कई और मॉडल्स को भी सस्ते में खरीद लिया, यानी कि हर बार डाउनसाइड बहुत कम था और अपसाइड बहुत ज्यादा। इन्वेस्ट करते टाइम भी आपको ऐसी सिचुएशन की वेट करनी है जब ऑड्स आपके फेवर में हो, और तब तक पैसे नहीं लगाने जब तक डील सब तरीके से आपके फेवर में ना हो। फॉर एग्जांपल, वर्जिन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन को एक बार एक आइलैंड 30 मिलियन में बाय करने की ऑफर आई, लेकिन उन्होंने 30 मिलियन के सामने 1.5 मिलियन ऑफर किए, यानी कि उसकी वैल्यू से 95% डिस्काउंटेड अमाउंट पे। सेलर ने उनका मजाक उड़ा के वो ऑफर डिनाई कर दी, लेकिन आप मानोगे नहीं, कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वो आइलैंड 1.8 मिलियन में खरीद लिया, और आज उस आइलैंड पे एक रात बिताने के लिए आपको 3 लाख यूरो पे करने पड़ते हैं, यानी कि हेड्स आई विन टेल आई डोंट लूज मच, एंड दैट्स नथिंग बट अ क्लासिक धंधो। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, और मेरा जो एक एम है लोगों को बुक्स रीड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्पायर करना, उसमें मुझे हेल्प कीजिए। आपके कुछ अलग थॉट्स या क्वेश्चन या कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और नेक्स्ट संडे तक कीप रीडिंग कीप लर्निंग टेक केयर।